बाद मुफ्ती तारिक जमीन साहब को फिर से दावत दी जाएगी, लेकिन उससे पहले असल में जो हजरात जाना चाह रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। दोस्तों आइए, मुफ्ती तारिक जमीन साहब के बाद एक और बहुत खूबसूरत शायर जो दिल्ली से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मुझे उनके हुजूर पहुँचना है। दोस्तों चाहे वो गज़ल का मुशायरा हो, नात का मुशायरा हो या मनकबत की महफिल हो, वो इस तरह के शायर हैं कि हर जगह उन्हें यकसा मकबूलियत हासिल है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब वारिस वारसी साहिब से गुजारिश गुजार हूँ कि बराए करम वो तशरीफ़ लाएँ। जो हजरात जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, जो सुनने वाले सामईन हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और वो वारिस वारसी साहिब और कफील सैंसपुरी साहिब को सुनकर ही जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये नाते पाक का मुशायरा काबिल एहतराम उलमाए किराम शुआरा उज़ाम माज़ूर ख़वातीन व हज़रात, मैं इस मुबारक महफिल के लिए आप तमाम हजरात को ख़ास तौर से कमेटी के उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई। हमारे दानिश साहब, रिजवान साहब, फैज़ान साहब, ये तीन नाम मुझे याद हैं, बाकी जो लोग हैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की ज़ात से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये बार बार महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए, इन लोगों की उम्रों में बरकत अता फरमाए जिन लोगों ने इस महफिल का अहतमाम किया। डॉक्टर तहजीब अबरार साहब निज़ामत फरमा रहे हैं, बहुत ही मोहतरम और अदब का बड़ा नाम कफील सहसपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मुफ्ती तारिक जमील साहब अभी आपको बहुत खूबसूरत अल्फाज, बहुत खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। दीगर शुआरा किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जी मैं वहीं से शुरू करूँगा, मुझे मालूम है मुशायरे का क्या माहौल है। आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों की दुआएं, कफील भाई, सदर मोहतरम भी यकीनन यहीं कहीं होंगे, मुझे मालूम नहीं है कौन सदारत कर रहा है, हैं सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं। आपकी दुआओं के ज़रिए मैं कुछ अशार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कारी अजहर साहब और हमारे हैदर साहब बहुत अच्छा पढ़ा इन लोगों ने। तमाम हजरात की कुर्बानियाँ इस मुशायरे के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे यहाँ बैठने को। आइए एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं कुछ ताज़ा अशार पढ़ना चाहता था मगर कुछ बच्चों का, कुछ दोस्तों का इशारा हो रहा है। अब देखना यह है, सोचना यह है कि मुशायरा मुशायरा है, मगर कफील साहब मैं कुछ ताज़ा अशार भी पढ़ूँगा। अबरार साहब आपकी जो फरमाइश है, अब चूँकि मजमा भी इस तरह का है कि लोग ज़्यादातर उठकर जा चुके हैं और ये वो लोग हैं जो देखने वाले थे, यकीनन सुनने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेशक बेशक, एक बार फिर दरूद शरीफ ले मैं शुरू करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखें दारी साहब, खुशबू लाए हैं फूल लाए हैं, यही था ना, ठीक बहुत शुक्रिया। सुनिए, खुशबू लाए हैं फूल लाए हैं, जिंदगी के उसूल लाए हैं, खुशबू लाए हैं फूल लाए हैं, जिंदगी के उसूल
कोई भी नहीं लाया आज तक, कोई भी नहीं लाया जो खुदा के रसूल लाए, जो खुदा के रसूल लाए, जो खुदा के रसूल लाए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। आइए उसी रंग जिस रंग में मुशायरा आप सुन रहे हैं, मैं भी उसी रंग में एक दो कतात पढ़ना चाहता हूँ। अजीब साहब मुलाहिजा फरमाएं। जो खुदा के रसूल लाए हैं हम बड़ी आन बान वाले हैं, हम बड़ी आन बान वाले हैं, कासमी खानदान वाले हैं, कासमी खानदान वाले हैं, हम बड़ी आन बान वाले हैं, कासमी खानदान वाले हैं, हम हैं वारिस नबी अकरम के, हम हैं वारिस नबी अकरम के, यानी अरबी जबान वाले, यानी अरबी जबान वाले हैं, यानी अरबी जबान वाले हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा वारिस भाई, वाह वाह बहुत उम्दा। एक और था इसी तरह का, कोई आज तो ताज बदले हैं। क्या था यानी अरबी जबान वाले हैं। हम तो मुझे शुरू में पढ़नी चाहिए थी, आपने फरमाइश की, मगर देखिए बीच में कई मौका हो गया लास्ट में। यानी अरबी जबान वाले हैं, बहरहाल एक चार मिसरे और थे। हम बड़ी आन बान वाले हैं, कासमी खानदान वाले हैं, हम हैं वारिस, अब हम हैं वारिस नबी अकरम के, यानी अरबी जबान वाले हैं, यानी अरबी जबान वाले हैं। हमने रस्म व रिवाज बदले हैं, सुने, हमने रस्म व रिवाज बदले हैं, हमने रस्म व रिवाज बदले हैं, तंग जहनी मिजाज बदले हैं, हमने रस्म व रिवाज बदले हैं, तंग जहनी मिजाज बदले हैं, ठान ली है अगर बदलने की, ठान ली है अगर बदलने की, सैकड़ों तख्त ताज बदले, सैकड़ों तख्त ताज बदले हैं, सैकड़ों तख्त ताज बदले हैं। तभी जी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, आप लोगों की समात बेदार हैं, यकीनन आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो बाहर जो पार्किंग है वहाँ पे 2906 गाड़ी किसी की खड़ी हुई है जिसने दूसरे गाड़ियों को रोक रखा है, तो 2906 गाड़ी जिन साहब की भी हो
वो वहाँ से हटा गए रास्ते में से, क्योंकि जो मेहमान हैं, जो जाने वाले मेहमान हैं, उनको परेशानी हो रही है। 2906 गाड़ी के मालिक जो है गाड़ी पर पहुँच जाएँ। जनाब वारिस वाक्सी साहिब जी, मैं हाजिर आपके ऊपर हैं, वो अपना काम पेश करें। नहीं नहीं, आप जा सकते हैं। कीजिए एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें, मैं नाते पाक के चार मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व आलि सय्यिदना। कफील साहब तशरीफ रखते हैं। जी जी, अता कीजिए, अता कीजिए। नबी के इश्क का सागर अता कर, मुकम्मल दीन का पैकर अता कर। नबी के इश्क का सागर अता कर, मुकम्मल दीन का पैकर अता कर। भटकती जा ये दुनिया उमर फारूक सा रहबर अता कर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, उमर फा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत। नबी के आप आमीन कह सकते हैं इन मिसरों पे, हो सकता है अल्लाह ताला कबूल कर ले, यकीन के साथ करें कहें तो इंशाअल्लाह मकबूलियत भी मिलेगी। नबी के इश्क का सागर अता कर, मुकम्मल दीन का पैकर अता कर। भटकती जा रही है फिर ये दुनिया उमर फारूक सा रहबर अता कर, उमर फारूक सा रहबर अता कर। चार मिसरे और पढ़कर देखता हूँ। इशाद इशाद अता करें। लायदा फरमाएं। वो आए तो कुफर जहाँ से दूर हुआ, क्या उम्दा है, वाह। वो आए तो कुफर जहाँ से दूर हुआ, वो आए तो कुफर जहाँ से दूर हुआ, वो आए तो कुफर जहाँ से जंगल बस्ती बस्ती नूर हुआ, जंगल जंगल बस्ती बस्ती नूर हुआ। वो आए तो कुफर जहाँ से दूर हुआ। अब अगर आप इस तलाश में बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं कि मुफ्ती तारिक जमील के जैसा मैं पढ़ सकता हूं, तो कतई गलत सोच रहे हैं। जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपनी तरफ से शायरी के लिहाज से भी और पढ़ने के लिहाज से भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मैं मुझे जो भी नजराना मिलेगा इंशाल्लाह उसको हलाल करके जाऊँगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे आपकी दुआएं मिल रही हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लें, बीच में एक गुफ्तगू हो जाती है तो अच्छा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शेर पढ़ता हूँ इसका मतलब, मैंने बड़ा शेर आता कीजिए, आता कीजिए। हर शायर ने अलग एंगल से अलग तरीके से एक वाक्य को पेश किया है और बार बार पेश किया है, मगर अलग अलग तरीके से पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। वो आए तो कुफर जहाँ से दूर हुआ, जंगल जंगल
बस्ती बस्ती नूर हुआ, आपसे मिल करे आपका जानी दुश्मन भी सीने से लग जाने को मजबूर हुआ। बहुत उम्दा है, सीने से लग जाने को मजबूर हुआ। वाह वाह, वो आए तो कुफर जहां से दूर हुआ। बहुत उम्दा वागिश भाई, वाह वाह। जंगल जंगल बस्ती बस्ती नूर हुआ। एक अक्सर आपने गजल सुनी होगी, अज़र भाई धूप में शामियाने लगे हैं, तो उसी बहर में उसी ज़मीन में एक नात भी आपने सुनी हो या ना, बहरहाल में हाँ नहीं वो तो बार 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 सुनी है जिनकी बादशाहत पर दो जी, मगर ये शायद आपने सुनी हो, मैं मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा माहौल बनना है नाते पर, अता की जी अता की। आप दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। दानिश साहब आ गए पढ़े जी। एक मतला चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं। कफील साहब नूर परवर फजा हो रही है। वाह भैया, माइक माइक वैसे ही रहने दो जैसे चल रहा था, सही चल रहा। नूर परवर फजा हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है, मिदहते मुस्तफा हो रही है, मिदहते मुस्तफा हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है। भाई बहुत शुक्रिया इस फजा के लिए, आपको फिर मुबारकबाद। बहुत उम्दा, अल्लाह करे ये महफिलें बार बार यहीं सजती रहें और हम लोगों को नाते पाक पढ़ने का और सुनने का शरफ हासिल होता रहे, हमें ये सआदत नसीब होती रहे जी। अता की नूर परवर फजा हो रही है, मिदहते मुस्तफा हो रही है, मिदहते मुस्तफा हो रही है, खुशबुओं से मुअत्तर है राहें, खुशबुओं से मुअत्तर है राहें, खुशबुओं से मुअत्तर है राहें, आमदे मुस्तफा हो रही है, वाह 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 वाह, आमदे मुस्तफा हो रही है। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, वाह। आमदे मुस्तफा हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है, खुशबुओं से मुअत्तर है राहें, खुशबुओं से मुअत्तर है राहें,
वफा हो रही है, आमद मुस्तफा हो रही है। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, नाते पाक का मुलाजा फरमाए। इशाद इशाद। जिक्र महबूब रब की बदौलत, अगर सच्चाई हो, कुछ कहने की कोशिश हो तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचनी चाहिए। पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए। जिक्र महबूब रब की बदौलत, जिक्र महबूब रब की बदौलत, दर्द दिल की दवा हो रही, दर्द दिल की दवा हो रही है। जिक्र महबूब रब की बदौलत, दर्द दिल की दवा हो रही है, दर्द दिल की दवा हो रही है। है ज़बां पर दुरूदों के मोती, वाह, है ज़बां पर दुरूदों के मोती, है ज़बां पर दुरूदों के मोती, रोशनी सी अता हो रही। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने वारिस भाई, वाह वाह वाह। रोशनी सी अता हो रही है, रोशनी सी अता हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है। बहुत उम्दा वाक्य। गुम रही की सियाह रात वारिस, गुम रही की सियाह रात वारिस, गुम रही की सियाह रात वारिस, रफ्ता रफ्ता फना हो रही है। क्या उम्दा है, वाह। रफ्ता रफ्ता फना हो रही है, रफ्ता रफ्ता फना हो रही है, नूर परवर फजा हो रही है। मिदहत मुस्तफा हो रही है। एक मतला तो तीन शेर और पढ़ना चाहता हूँ। ये अता कीजिए, अता वो भी शायद आपने ना सुने हो। तो मैं फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करूँगा। और नौशाद साहब, थोड़ी आवाज खींचने से लगती है, वहाँ की आवाज खींचने लगा। पढ़ूं, आप सुन रहे हैं ना जी? मतलब जी शायद अदा जी। जिक्र खुदा से दिल जो मुनव्वर न हो सका, वाह वाह वाह। जिक्र खुदा से दिल जो मुनव्वर न हो सका, मुनव्वर न हो सका, जिक्र खुदा से दिल जो
नवर न हो सका उसको सुकून कहीं भी मयसर न हो सका। सुकून कहीं भी मयसर न हो सका। वाह वाह वाह। कहीं भी मयसर न हो सका जिक्र खुदा से दिल जो। वाह क्या उम्दा मतला है। वाह। दुनिया में यूं तो दुनिया में यूं तो और भी आए नबी दुनिया में यूं तो और भी आए नबी मगर सरकार जैसा कोई पयंबर न हो सका। वाँ वाँ। सरकार जैसा कोई पयंबर न हो सका सरकार जैसा कोई। वाह 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 बहुत उम्दा। अजीब तरह का हो गया शेर सुने बहरहाल जी अदा कीजिए। राहे खुदा में यूं तो कटे सर बहुत मगर राहे खुदा में यूं तो कटे सर बहुत मगर राहे खुदा कटे सर बहुत मगर मेरे हुसैन जैसा कोई सर न हो सका। मेरे हुसैन जैसा कोई सर न हो सका नायाब यूं तो और भी पत्थर है बेशुमार नायाब यूं तो और भी नायाब यूं तो और भी पत्थर है बेशुमार अस्वद के जैसा कोई भी पत्थर न हो सका। अस्वद के जैसा अस्वद के जैसा कोई भी पत्थर न हो सका मेरे नबी के जैसा पयंबर न हो सका। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। है ना आवाज़ चल जाती है। नहीं आवाज़